दोनों में यूज कर सकते हो द ओनली डिफरेंसेस कि आपको इन्हें आज व्हेन यू आर फॉर वेक्टर क्वांटिटीज एंड आज हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उस केस को डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली जानते स्पेशल केस है बट इट इज वन दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू स्टडी

आप देख सकते हो y टैन थेटा माइनस जी एक्स स्क्सर कॉस स्क्टर अब लाइक हम लोगों ने डिराइव किए थे एसियो कि में प्रोजेक्टाइल जिस एलिवेशन से राइज कर रहे वापस उसी एलिवेशन पे आफ्टर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट अमाउंट का टाइम लेटर आफ्टर दैट सेम एलिवेशन पे वापस आ जाएगा

तो टोटल एंगल टू द ग्राउंड कितना हुआ थियेटर प्लस अल्फा टोटल एंगल टू द ग्राउंड तो पहले जो इक्वेशन ऑफ प्राजेक्ट्री बनेगी जस्ट वेरी सिंपल आपको जहां भी थिएटर देखे इक्वेशन में जैसे y x tan term, तो theta, tan ऑल दैट टर्म तो सो इट विल बी tan एक्स प्लस अल्फा अगर नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी भी वर्क करना है सो दैट इज जस्ट वेरी सिंपल इट इज वेरी सिंपल लेकिन द थिंग इज कि अगर इसकी पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करें

यहाँ पे वाई डिफरेंट है एंड ये वहां पे स्टॉप भी कर गया बेसिकली स्टॉप नहीं किया बट इट हिट द प्लेन राइट लेकिन जस्ट अगर सिंस ये अल्फा से रोटेटेड है टू द ग्राउंड मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अल्फा अमाउंट से रोटेट कर दिया दैट इज अल्फा एंगल से सो आई एम कंसिडरिंग पैरल टू द इंक्लाइन मैंने एक्स ले लिया नॉर्मल टू द इंक्लाइन मैंने लियास uh, ले लिया इन दैट केस अगर आप देखते हो तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ओवरऑल मोशन में चेंज नहीं होता है मतलब इंडिविजुअल पॉइंट्स पे तो हो गए लेकिन ओवरऑल मोशन में वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है कैसे आपने वाई कुछ ऐसे लिया ऐसे ट्रेस कर सकते हो दिस इज इसको मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे एक्स हो गया यहाँ पे वाई हो गया तो इनिशियली वाई कुछ ऐसा है फाइनली वाई ऐसा है चेंज नहीं हुआ सो इट इज इनफैक्ट बेटर अगर आपने

लेकिन अब कुछ केस डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया है सो यू कैन जस्ट सी राइट फ्रॉम हियर कि अगर आपने नॉट ले लिया तो वी नॉट थीटा कॉज थीटा ऐसे ही आपका अलोंग द इंक्लाइन इन नॉर्मल टू इंक्लाइन हो गया लेकिन इसके साथ क्या चेंज हो रहा है वी नॉट तो चेंज नहीं हुआ तो चेंज किसकी वजह से आ गया यू हैव टू थिंक ओवर इट एंड ये चेंज आएगा इन आवर मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्योंकि आप ग्रेविटी अगर आप अलोंग द इंक्लाइन एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन

so this is what what you actually have to remember here so you have to uh, take out the time of flight from the see question aap kya karoge ki time of flight kya hai jitne time mein yahan pe aayega wapas ek glide pe land karega us pe hit karega so if you just look at it yahan pe basically kya ho raha hai vertical displacement zero होगा क्योंकि यहाँ पे jahan पे vertically है and more correctly y displacement इसका y coordinate में zero change होगा डेल्टा तो वाई यहाँ पे जो वाई है वो भी यहाँ पे नॉर्मल सीनारियो में वाई इतने अमाउंट से इंक्रीज किया लेकिन यहाँ पे वाई हम लोगों ने टर्न कर दिया तो वाई इंक्रीज नहीं कर रहा फिर लुक एट इट डेल्टा क्या हो गया जीरो हो गया मतलब क्या अगर इसी क्वेश्चन से देखो यो क्या होगा इट इज वी नॉट साइन थियटा तो वी नॉट साइन थिएटर ये आपने एक लिख लिया टाइम्स द टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस में हो गया हाफ जी अब ये g नहीं होगा बल्कि g कॉस अल्फा होगा as you can see from here y के लिए इक्वेशंस लिख रहे हैं टाइम्स में t का स्क्वायर क्या हो गया जीरो हो गया नाउ यू कैन जस्ट इक्वेट इट दिस वे कि आपने क्या किया v0 sin θ टाइम्स यू राइटेड t इक्वल्स 1/2 कॉस अल्फा। α t का स्क्वायर हो गया एक e t से एक e t कैंसिल उसके अलावा अब क्या कर सकते हो इस पूरे टर्म को टेक इट ओवर हियर वट यू आर गेटिंग टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो रहा है दिस इज टू वी नॉट साइन थेटा हो गया ओवर जी क्या है वट इज दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट राइट ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट इफ यू जस्ट लुक एट इट आपको ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन मिल सकता था इन अ वेरी इजी वे यहां पर हम लोगों ने इजिली कैसे मिल सकता है रिमेम्बर वॉट यू आफ्टर डू इज कि आपको जे की जगह जे अल्फा लिखना है लॉन्ग वाई तो आपको जे अल्फा लिखना है में time of flight क्या था 2V0, sin theta, over G. आपने यहाँ पे जे की जगह क्या रखा अल्फा रख दिया जी कॉस अल्फा एंड आर जस्ट गेटिंग द सेम इक्वेशन तो यहाँ से भी मिल सकता था बट वी वेंट थ्रू अ मोर लॉन्ग प्रोसेस जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि ऐसा आप कर सकते हो वरना ऐसा यू कैन रेली डू इट तो बेसिकली यहां से तो आ, आ, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट वन क्वॉंटिटी इजिली मिल गया अब ये जो एच मैक्स है ना दिस एच मैक्स विल यू कॉल इट मतलब ये ये जो वट इज एच हियर ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि एच मैक्स या तो आप इसे बोलोगे या तो आप इसे एच मैक्स बोल सकते हो या फिर आप इसे एच मैक्स बोल सकते हो Right? Both are two different things. कि या तो तो आप इसे बोल सकते हो 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 क्या क्या है? तो remember यहाँ पे basically क्या हो रहा है? पे रहा एक तो आपके गए से कर रहे हो। जो दूसरी है दिस इज द मैक्सिमम हाइट बाय द इंक्लाइंड तो आप किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो नॉर्मली एच मैक्स कौन सा पॉइंट था जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो रही थी तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो जा बट अगेन अगर आपको ये वाला एच मार्क्स चाहिए सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग सो यू कैन स्टिल फाइंड इट लेट्स ट्राई फाइंडिंग एच मार्क्स अगर आप यहाँ पे बेसिकली देखते हो सो यहाँ वी स्क्सर प्लस टू एस मैं यहाँ पे vy को जीरो रख सकता हूँ साइन स्क्टर इक्वल्स किसके इक्वल हो गया टू जी ये हो गया हमारा अब अगेन यहाँ पे वर्टिकल के लिए लिख रहे हैं राइट तो टू जी कॉस अल्फा हो जाएगा टाइम्स में अब दिस इज एच मैक्स हो गया देन यू फाइनली हैव के एच मैक्स किसके इक्वल है दैट इज वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थिएटर वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थिएटर ओवर ये क्या है टू जी कॉस अल्फा सो सिंपल एज यू कैन सी फ्रॉम हियर बहुत ही सिंपल केस है कि मैक्सिमम हाइट क्या है वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थिएटर ओवर टू जी अल्फा अगेन नॉर्मल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट क्या थी दैट वाज ये थी समथिंग लाइक वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थेटा ओवर 2g इतना ही था यहाँ पे हम ले हम लोगों ने बेसिकली क्या किया ऑल्दो वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ इट ऑल दैट वी हैव टू एक्चुअली डू कि आपको g की जगह g cos अल्फा लिखना है क्यों लिखना है क्योंकि तो अब यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो तो -g नहीं है बल्कि -g cos अल्फा है? क्योंकि तो हम लोगों ने क्या किया x इधर लिया है y इधर लिया है coordinate system change कर दिया How do we do it? हम ने coordinate system उतने ही amount से rotate कर amount से जितना ग्राउंड अल्फा है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अल्फा से रोटेट कर दे. तो आपको क्या मिलेगा एक एक्सिस पैरेलल टू इंक्लाइन एक नॉर्मल टू इंक्लाइन सो ऑल इज जस्ट रिप्लेस इट हाँ लेकिन अगर आर की बात करें टल रेंज सो दिस कैन बी अब क्यों क्योंकि यहाँ पे यू कैन नॉट सिंपली फैसा नहीं कर सकते हो कि आप रिप्लेस कर दोगे जी बाई जी को यहाँ पे हॉरिजोंटल एक्सलेशन माइनस जी साइन अल्फा अमाउंट का भी है इन दैट केस अब अगर आप आर के लिए लिखते हो अगेन आई एम नॉट राइटिंग दिस वाला आर आई एम राइटिंग दिस वन आर ये वाला जितना आर है तो हाउ विल यू डू इट आर आप कैसे लिखोगे इस इक्वेशन के टर्म में लिखोगे प्रीवियस टाइम ये टर्म हमारे जीरो जा रहा था सो वी आर गेटिंग क्वाइट ए सिंपल सिचुएशन यहां पे यू सी ये यू क्या होगा वी नॉट कॉस थेटा टाइम्स में टाइम ऑफ फ्लाइट आप कर सकते हो सो इन दैट केस यू विल हैव टू वी नॉट साइन थेटा ओवर जी कॉस अल्फा जी कॉस अल्फा फिर आपने माइनस कर दिया क्योंकि ये एक डिसलेशन है है माइनस में हो गया हाफ uh, टाइम्स में अब ये क्या है जी साइन अल्फा है अल्फा टाइम्स में T का स्क्वायर सो दैट इज अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर करता हूं इट इज फोर बी नॉट देन यू है अब ये क्या हो गया कॉस स्क्र अल्फा

ये थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन मिल जाएगा फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज ये क्या है वी नॉट कॉस सेटा टाइम्स टू वी नॉट साइन सेटा ओवर जी कॉस अल्फा मैं क्या करूंगा वी नॉट स्क्वेयर हो गया कॉस सेटा टाइम्स टू साइन सेटा साइन टू थेटा होता है ओवर जी कॉस अल्फा सो हियर यू हैव वी नॉट स्क्वेयर साइन टू थेटा ओवर जी कॉस अल्फा एंड देन एडिशनली आपके पास ये वाला टर्म है माइनस में क्या है अब यहाँ पे एक जी होगा आपके पास अब अगेन ये हमारा एक टू है टू वी नोट देन यू हैव टाइम्स में हैल्फावर अल्फा ओवर अल्फा तो इसको मैं एक टैन अल्फा ले सकता हूँ राइट right? इसको मैं एक टैन अल्फा ले सकता हूँ सो इधर वे अगर आप इसे अल्फा नहीं भी लिखते हो तो भी लंबी एक्सप्रेशन है लेट्स जस्ट टेक हैल्फा और कॉस अल्फा में टैन अल्फा लूंगा एंड एक कॉस अल्फा नीचे ही रह जाएगा राइट तो हेयर यू हैव यहाँ वीनोट स्क्वेयर साइन स्क्वेर थेटा मैं लिख देता हूँ ओवा में ये हो गया जी अब यहाँ पे टाइम्स में एक अल्फा भी है ओवा में जी एक कॉस अल्फा यहाँ पे बच गया तो अगेन दिस इज व्हाट जी अल्फा यहाँ पे भी जी कॉस अल्फा है सो दिस इंड लीड फील्स बेटर तो यहाँ पे आप इसे विनोट स्क्वेर साइन टू थेटा माइनस टू वी नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थे

इस पे अगर आप एक चीज नोटिस करो ये जो पहला वाला टर्म है दिस दिस फर्स्ट टर्म टर्म वी नॉट साइन ये टर्म हो जाता अगर हमें ओनली रिप्लेस करना होता जी बाई जे जी कॉसल्फा जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे क्यों नहीं कर पाए क्योंकि इतना बड़ा एक एडिशनल टर्म आ गया जस्ट फॉर द रीजन कि आपके पास जो हॉरिजोंटल एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है बल्कि माइनस जी साइन अल्फा

ये, दोनो ये दोनों ये दोनों हेल्पफुल हो सकते हैं वरना इसके लिए तो आई टू मेमोराइज दिस फॉर्मुलाज एटलीस्ट आई वुड से दैट इज हाउ यू डो प्रोजेक्ट एंड मोशन ऑन इंक्लाइन एज मैंने पहले ही कहा कि आइडियाज आर वॉट एक्चुअली मैटर हेयर द मोस्ट कि जरूरी नहीं है आपको सारे लर्न करने होंगे

अपवर्ड ही पॉजिटिव लिया जाता है सो यानी दिसमेंट एंड थैंक्स टू ऑलवे एंड जय जय